उठ गया पहलवान। कब का? अभी तो नहीं है। खांसी? बुखार? फिट बिल्कुल? जुखाम तो कोई बात नहीं, फिट है बिल्कुल मतलब है या। अरे उसको बाद में उठाना, पहले दवाई खा, खराब हो जाएगी दवाई, नहीं तो फिर धूप में ले। चाटो इसको, चाटो चाटो। कैची है? गटिया। ये तो उल्टे काम करने से पहले सोचा करना। जब तेरे को बोलते हैं ये पानी में मत खेल, नंगे पांव मत चल, तब तू मानता नहीं। अब दवाई को बोल रहा है घटिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी जा रहे हैं हम शिवा के स्कूल, उसकी पीटीएम आज, तो प्रीति उसकी पीटीएम में चली जाएगी और शिवा को दिखाना है डॉक्टर को भी। कल तो दिलवाई थी उसको दवाई, लेकिन वो आयुर्वेदिक थी तो लगता है उससे कुछ असर हुआ नहीं है, तो अब उसको एलोपैथिक दिलवाएंगे। एंटीबायोटिक शायद खानी पड़ेगी उसको, चेस्ट में बहुत दिक्कत हो रहा है उसको, तो शायद उसका कफ जम गया है, तो खांस भी बहुत रहा है और दो दिन से उसको बुखार भी आ रहा है। तो अभी उसको दवाई भी दिलवानी है और उसकी पीटीएम भी है, तो पीटीएम भी अटेंड करनी है। बाकी बच्चे सब गए हैं बुआ के यहाँ, ईसू, पीहू, गोलू। गोलू के आज छुट्टी थी। ईसू, पीहू मेरी भतीजियाँ जो मुंबई से आई हैं, वो भी वहीं गए हैं सारे सारे, तो अभी हम भी वहीं जा रहे हैं, दिन का लंच वहीं करेंगे। चल शिवा, मैं आपको रेडी कर देता हूँ, अभी आपकी पीटीएम है, मम्मी पीटीएम में जाएगी और आपको बुआ के यहाँ छोड़ देंगे। हाँ मैं भी जाऊँगा, वहाँ सब भाई लोग हैं, दीदी लोग, भाई लोग सब वहीं हैं, वहाँ उनके साथ खेलना, फिर उसके बाद आपको नेबुलाइज कराएंगे। तीनों एक साथ बैठे हो, तीनों अलग अलग फोन में बैठे हुए हैं। मोटू तेरे मजे आ गए ना, हैं? छुट्टी मिली और सीधा नीचे बुआ के यहाँ। हाँ तो शट अप, मैं जा रहा हूँ पीटीएम में। कहाँ जाएगा? कहाँ जा रहा है? हाँ बनाता हूँ तेरा मैं ब्लॉग। चुप रहो, अभी अभी मैं पीटीएम में जा रहा हूँ, बाद में देखेंगे। टिपची टिपची है? नहीं घर नहीं जाऊंगा, तू नहा ले पहले। तुम यहाँ फोन देखने आए थे वहां से? रात को देखा ना, एंजॉय किया ना बहुत ज्यादा। क्या किया रात को एंजॉय तुमने? इंडिया के सड़े हुए भूत देखे। अभी पीटीएम तो अटेंड कर ली है, अब शिवा को ले जाते हैं जरा डॉक्टर के पास, उसको नेबुलाइज कराते हैं। चल शिवा, तेरे को नेबुलाइज कराते हैं, चल डॉक्टर के पास चलते हैं। उठ जा, तो भाई साहब आप उठोगे तभी तो चलेंगे। और लड्डू, नींद सही आई रात को? अकेले अकेले पूछ रही मैं कि याद आई हमारी कि नहीं आई थी? बिल्कुल भी नहीं आई हमारी याद। और शिवा बोला कि मुझे तो कत्ता ही ना आई, मैं तो और मजे आई। और क्या? हाँ हाँ, लड्डू गोपाल बोलो। लड्डू गोपाल तू है। नेबुलाइज नहीं कराया इसको, उन्होंने डॉक्टर ने मना किया, उन्होंने बोला रहने तो आदत पड़ जाती है। बाकी दवाई लाया हूँ तो दे देना उसको दवाई, और थोड़ा बुखार भी है उसको हल्का फुल्का 99 का, तो दे देना उसको, आ रहा होगा ना बीच बीच में इन्फेक्शन की वजह से। बार बार मैं पेट दर्द भी कर रहा। पेट दर्द भी कर रहा है? क्या खाया तूने? हाँ तभी तेरे को मना कर रखा है, चम्मच खाया कर। चल भाई गाड़ी साफ कर ले। हाँ साफ करके। हाँ है, जब जाएंगे तब जाएंगे, अभी पहले सफाई कर उसकी। अभी जाएंगे हम ड्राइव। तू चुप रह, जो तू भी कर ले साथ उसके साथ। हम साफ करेंगे तो फिर आप हमको लेके जाओगे? शाम को लेके जाऊंगा, पहले सफाई करो। शाम को नहीं, फिर बहुत अंधेरा हो जाता है। तो लंच के बाद ही जाओगे? हाँ श्याम जी, ये कर रहे हैं ड्राइव, बहुत ही सुंदर जगह है, अभी चल के आपको वहां का व्यू दिखाएंगे। इस रूट पे पहली बार आया मैं, पहले मैं ना तीसरी बार आ रहा हूं। अच्छा, उस रूट पे तो मैं पहले गया था मैं, वो जो गड़ी कैंट वाला रूट है ना, वो अंदर को क्या नाम है वो गड़ी कैंट से अंदर को जाके मंदिर का साबा, संत
सतला देवी तो बोलते हैं सतला देवी ना, हाँ उस रोड पे तो गया हूँ मैं। कोई अच्छा रोड नहीं है अपना, बहुत बढ़िया व्यू है, देख पूरा जंगल कितना बढ़िया लग रहा है ना, सपाट रोड बिल्कुल। पूरी रोड खाली है, हम ही चल रहे हैं बस। एयर कितनी फ्रेश है यहाँ की ना, देहरादून का तो खैर यार क्लाइमेट ही कुछ और है। मेजर बात है यहाँ क्लाइमेट जल्दी से खराब भी नहीं होगा ना, पूरा जंगलों के बीच में है नहीं है, और वो भी एक्सटेंड होने की जगह भी नहीं ज्यादा। हाँ अमेरिका से बुलाई गई ये इम्पोर्टेंट गाड़ी है, इम्पोर्टेंट अमेरिका से है। मेन मार्केट से ज्यादा दूर भी नहीं है, नजदीक भी नहीं है, नजदीक तो क्यों नहीं है मतलब, पर थोड़ा सा मतलब ना इंटीरियर में है ना। अगर मेन मार्केट की बात, मेन मार्केट से कटने में अगर आप कम से कम 10-15 किलोमीटर है जो मेन मार्केट से कट जाता आदमी, नहीं तो यहाँ 7 किलोमीटर सारा है। बिल्कुल मसूरी की जड़ में है ना, जड़ ये है मसूरी, सामने आगे दिख रहा है, ये देखिए मसूरी सामने कितना नजदीक दिख रहा है, बहुत नजदीक है ना यहाँ से मसूरी। गढ़वाल में भी होता है ना ऐसी जंगल, जंगल के बीच में रोड, घुमावदार रोड। अब बहुत ठंडी है यहाँ की, अभी आगे चल के देखते हैं व्यू, व्यू मिलेंगे यहाँ बहुत बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली ना पता क्या है, ये रोड ना बहुत अगर टूरिस्ट के साथ देखा बहुत अच्छा डेवलप हो सकता है, क्योंकि ना मतलब जो बाहर के लोग भी आ जाए ना तो वो भी ना मतलब जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहाँ जाना पसंद नहीं करते हम। जैसे मसूरी जाओ ना तो मसूरी में मार्केट के अंदर क्या है, जैसा मार्केट दर तो वैसे मार्केट मसूरी। यहाँ सारे चीड़ के जंगल ही जंगल होने लग गए ना धीरे धीरे, जैसे हाइट पे जा रहे हैं तो चीड़ के ही पेड़ हैं सारे, साल के पेड़ खत्म होने लग गए यहाँ। लो जी पहुंच गए किमाड़ी गांव, हमें यहाँ जाना है नीचे। अबे गाड़ी चढ़ेगी यहाँ आते हुए, निकालते अपने फ्रेंड को गाड़ी, गाड़ी दे यहाँ वहां पे लगाते हैं आगे, पर भाई बैग कहाँ से करेंगे ये भी ध्यान रखिए बाद में। आते आते बच गया नुकसान हो गया था ब्लॉगिंग के चक्कर में फोन चला जाता अभी हम अपने फ्रेंड को लेने आए हैं, अपने रूम पे नहीं था वो, पास में उसकी एक साइट चल रही है कंस्ट्रक्शन की, वहाँ पे था तो उसको लेने आए हैं। तो तब तक मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, अभी आने वाला है वो, लैंड भी है प्लेन भी है। ये देखिए रिसोर्ट के लिए कितनी बढ़िया जगह है, बगल में नदी बह रही है, पुल भी बना हुआ है और ये रोड जा रही है वहाँ के लिए। भाई रेट क्या होंगे यहाँ के, ये तो देख लेते, ले लेते हैं यहाँ भी एक जगह, पता करें हम ही खोल लेंगे रिसोर्ट, इसी को ले लेते हैं पता करते हैं है उस पर लिखा हुआ है किसी की प्रॉपर्टी है शायद वो, और जगह वाकई में बहुत बढ़िया है वो। ये ना बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि लोग आते हैं यहाँ पार्टी करने के लिए, उनको लगता है पानी है पार्टी कर लो यहाँ पे, वो ये नहीं समझते कि वो पीने वाला पानी है। कहाँ है वो आया तो है नहीं यार, फोन तो लग नहीं रहा उसका, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं होगा आई थिंक, यहाँ नेटवर्क पूरा आते हैं। यहाँ के खेत भी बिल्कुल पहाड़ के खेतों की तरह है,
बिल्कुल छोटे छोटे, इनमें भी शायद बैलों से ही जुताई होती होगी। ये रोड दिखाई दे सामने या? हाँ। इससे आगे पूरा शानदार दिखाई देता मसूरी, उस साइड में पूरा मसूरी होगा। अच्छा वहाँ तक कार जाती है? अच्छा मसूरी तक जाएगा रोड। आधा घंटा हो गया भाई साहब ने रोक के रखा हुआ है, हमें आया नहीं अभी तक, पता नहीं कहाँ बिजी है। ये पेड़ देख कैसे लग रहा है, जैसे बोनजाई ट्री नहीं होते गमले में लगाए हुए, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है ना। हमारे फ्रेंड ने बताया आगे झरने हैं, तो आगे चल के झरने देख के आते हैं अभी। धूप देख क्या भयंकर लग रही है। सुरकंडा देवी 42 किलोमीटर, मसूरी 7 किलोमीटर, जॉर्ज एवरेस्ट 6 किलोमीटर। हाँ तो ऑलमोस्ट वही है हम। 13 किलोमीटर रहेगा किमाड़ी गांव यहाँ से, आगे आ गए हम किमाड़ी गांव से, आगे आ गए हम 13 किलोमीटर यहाँ से किमाड़ी गांव। हाँ तो यहाँ से 13 किलोमीटर है वो। मैंने बोला ना 12-13 किलोमीटर जाती मसूरी पहुँच जाती। ये मेन मसूरी रोड है, यहाँ से 2 किलोमीटर आगे गांव है, ये बाईपास है नहीं? हाँ ये बाईपास होगा ना। हवा देख कितनी गजब है यहाँ, हरी के बाल ना पूरे सफेद आ रहे हैं। इनको कलर करके रख लिया कर भाई। बांज के पेड़ देख, ये सारे बांज के और चीड़ के पेड़ हैं। हरी इस जगह क्या बोलते हैं जहाँ पे हम खड़े हैं? पता नहीं यार क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। ये जो घास ले जा रहे हैं ना, इनके घर यहाँ से कम 2-3 किलोमीटर नीचे होंगे, यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं घास। देखो अभी हम पहुँचे पूरे टॉप पे, अब जा रहे हैं नीचे वापस। हाथी पाँव नज़दीकी है यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है, तो ये वाला रास्ता ही बड़ा अच्छा है। अगर किमाड़ी गांव वाले रास्ते से ऊपर आए हम हाथी पाँव के लिए, बड़ा बेहतरीन रास्ता है। वो जो लेडीज़ घास लेके आ रही थी, मेरे ख्याल में यहाँ की होंगी वो, तो इतनी दूर से घास वो यहाँ ला रही थी। छोटे छोटे गाँव बसे हैं अभी ना गढ़वाल की तरह, बड़ा आनंद आ गया भाई। 3 इडियट टाइप में लग रहे हैं हम भी ना। चलते चलते कहाँ पहुंच गए हैं, व्यू तो बहुत बढ़िया है नीचे का, लेकिन वो सन के पूरा हाइलेशन आ रहा है उधर से, तो दिखेगा नहीं प्रॉपरली। चल थोड़ा नीचे चल के देखते हैं, नीचे से दिख जाएगा। ये देख बढ़िया झरना भाई, झरना देख के आते हैं। आहा झरना कितना बेहतरीन झरना है, नीचे देख रहा है। फोन ना गिरा दी भाई, अभी भी झरने हैं, बरसात खत्म हुए कितना टाइम हो गया, प्राकृतिक झरने और इनका पानी इतना बेहतरीन होगा ना। तो लोग घुस जाते हैं ना, वो गंदा हो गया पूरा, हाँ वो बहुत गंदा है। हवा देख यहाँ की क्या बेहतरीन चल रही है, ये तो सेल्फी लेता रहता है, कहाँ भेजते हैं सेल्फी को। सेम लग रहा है ना दोनों, यही वाला था यार अशोक, वो देख नीचे नीचे दिख रहा ना वो। हाँ हाँ जो हम बोल रहे थे बड़ा वाला झरना ना, देखो कितना बेहतरीन झरना है यार, हाय हाय। और नीचे जाने का रास्ता नहीं है इसमें, तो नीचे जाते और ऑलमोस्ट सेम है, बस ये थोड़ा बड़ा है उससे पहले वाले से। इस रोड पे 2 झरने हैं और ऑलमोस्ट सेम जगह पे है, दोनों पे सेम टाइप का ब्रिज है, थोड़ा सा ये झरना पहले वाले से बड़ा है। ऑक्सीजन लेवल देख उसमें कितना झाग है, जितना ज्यादा झाग होता है ना पानी में उतना ज्यादा ऑक्सीजन लेवल होता है उसमें। ये रिबन का मुझे समझ में नहीं आया, ये क्यों बने रहते हैं यार क्या? ये रिबन ना इनके शायद मंदिर का कुछ, अरे वो है उनके यार, मंदिर का नहीं है यार, तुम लद्दाख भी जाओ ना, टिपचू का है वो भाई। देहरादून में राष्ट्रपति आए हुए हैं तो दबा के जाम हो रखा है, हम 2.5 घंटे से जाम में ही फंसे हुए हैं भाई। आज तो फुल मजा आ गए हैं। कितने घंटे हो गए हमें? 2.5 घंटे बल्लूपुर से प्रेमनगर पहुंचने में, और अभी भी जाम में ही है। मेरी दाढ़ी कैसे दिख रही है यार आपकी?
लाइट है बेटे। अच्छा, लाइट तेरी तेरी दाढ़ी नहीं है। इतना टाइम हो गया हमें कि दाढ़ी आ गई है। सच में यार आज तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। आज देहरादून में बहुत जाम लगा हुआ था क्योंकि राष्ट्रपति जी देहरादून आए हुए थे, तो एटलीस्ट हमारे 2.5 घंटे तो जाम में ही निकल गए। तो अभी अभी घर पहुंचे हैं, 10 बज रहे हैं अभी। तो इसके साथ करते हैं ब्लॉग को खत्म, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।